जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। ऐसे आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। इस समय हम छिबरा मऊ के श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोरेज के बाहर आ चुके हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इससे पहले अभी मैं जो है 1 घंटा पहले यहाँ से गुजरा था, तो मैंने देखा था यहाँ पर 2 इसी प्रकार के ट्रक आलू लोडिंग चल रहा था। उसमें से एक ट्रक लोड होके निकल चुका है और एक अभी आपको डिस्प्ले पर सामने दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कानपुर मंडी के आलू के भाव की और छिबरा मऊ के इस कोल्ड स्टोरेज में आलू का क्या भाव है और आने वाले समय में क्या कुछ तेजी बनी रहेगी, वो यहाँ के आलू व्यापारियों से बातचीत करेंगे। तो चलिए कोल्ड के अंदर चल के जानते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को कानपुर के आलू के भाव की जानकारी दे देते हैं कि कानपुर में आज जो है क्या आवक रही है और क्या रहा आलू का भाव। अभी हमारे साथ में यहाँ पर जो है इस कोल्ड स्टोरेज में मौजूद एक आलू व्यापारी है। भैया क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कौन सा कोल्ड है ये? कप्तान कोल्ड स्टोर। अभी आज कितना तारीख है? आज तारीख 28। 28 जून। अभी आलू का क्या भाव चल रहा है इस कोल्ड में? अब भाई यही चल रहा है, 11 से लेकर 12.5 रुपया हॉलैंड आलू बिका है। न्यू आइलैंड आलू 11 रुपए लेके 12.5 रुपए किसान का था। हाँ, किसान का। और लाल गोल? लाल गोल बिचो है 900 रुपया से लेके 1,000 10-15-20 रुपया। सफेद? सफेद बिचो है 8-10 लेके जो 1,000 10-11 रुपया बिचो। बढ़िया। किसान का दाम बता? किसान का दाम। कोल्ड वाला अलग से? कोल्ड वाला। कोल्ड वाला कितना पड़ता है? 130 रुपया। 130। तो आप जो भाव बता रहे हो, ये जो भाव है किसान कह रहे हैं ये मुझे मिल तो रहे नहीं, ये सुनने में है। मिल गए नहीं रहे, जिनकी क्वालिटी अच्छे आलू है उन्हें बराबर मिल रहे हैं। कहाँ है? अच्छा। हाँ, बढ़िया आलू क्या है भाई, अब जगह वो आलू थर्ड क्वालिटी के भाई कहाँ से मिलिए, थर्ड आलू है, थर्ड भाई मिले। आलू लिए थे उनका क्या भाव? कल आलू लेते 1,185 रुपये हॉलैंड लेते 53 किलो और 1,015 रुपये हम कंचन लिए। कितने कितने कट्टे लिए? 100 रुपये पैकेट आते कंचन। और आइलैंड के? आइलैंड के आते 185 कट्टा। और सफेद? सफेद आते 147 कट्टा। क्या रेट लिए? 1,001 रुपये। 1,001? हाँ, 53। कोल्ड में? हाँ हाँ, 53 किलो। मतलब अभी लोग कह रहे थे ये भाव नहीं मिलने लगा था, कोल्ड में मिलने लगे। काहे मिल गए नहीं रे, आलू है तेरे के भाई, मिल रहे मिलेगा कचरा, इनकी क्वालिटी अच्छी है। अभी अगर किसी का बढ़िया आलू है 1,000 रुपये आप तैयार? हाँ तैयार है। 1,000? हाँ, नंबर एक सुपर स्टार है। क्वालिटी अब आपकी? क्वालिटी गीला क्वालिटी है, बढ़िया एकदम सुपर क्वालिटी। हाँ हाँ, बढ़िया होना चाहिए। हाँ बढ़िया। भाव 1,000 रुपये? 1,000 रुपये। सफेद आलू? हाँ सफेद आलू। किसान का दाम? किसान दाम। क्या लग रहा है, क्या ये बाजार जो है कब तक ऐसे बने रहेंगे आगे? बाजार का अब किसान कमाए रो, बाजार पे चलिए रे, मतलब कोल्ड में जाओ तो बरामदे खाली मिलते हैं। खाली का किसान आइए नहीं रो। जैसे यहाँ पर ये कुछ कट्टे लगे हैं, बाबा की ये लोडिंग हो रहा है बस, और उसके बाद आज का कोई बिक्री? आज कोई बिक्री अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, ये बिक्री चल रही, कोई किसान नहीं आ रहा। तो बताते हैं कि निकासी जो है पिछले साल से कुछ ज्यादा हो गई है अभी तक? हाँ, निकासी तो ठीक चल रही है, निकासी कोई भी चल रही है। क्या देखने को मिल सकता है आने वाले समय? आने वाले समय में आलू ठीक बिचे, अब फिक्र हो आगे चल गए बिचे, हमेशा बिचते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। आलू दिक्कत नहीं लग रही? हाँ, दिक्कत कोई लग नहीं रही ज्यादा। दिक्कत ना लगने की क्या वजह मालूम पड़ रही है? वजह क्या है, अच्छी लोडिंग चल रही है, बाहरों आलू जा रहे हो, डिमांड सही है। तो मजबूत भाव 800 से 1,000 रुपए सफेद आलू 36 टुकड़ा। हाँ हाँ, किसान का? हाँ किसान का। और आपका लाल वाला 800 से लेके वो भी 1,000 रुपए? हाँ, 1,015। और न्यू आइलैंड 1,000 रुपए से 1,250 रुपए। हाँ, किसान का दाम? हाँ, कोल्ड वाला? कोल्ड वाला किसान व्यापारी भी व्यापारी। अब अगर बात की जाए कोल्ड स्टोरों की स्थिति की, तो आप लोग कोल्ड स्टोरों की स्थिति को देखना अगर चाहें तो इस समय आप किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जाकर के देख सकते हैं कि बिक्री इतनी ज्यादा सुस्त है कि किसान इतने भाव में आलू देना नहीं चाहते हैं। मतलब कि आपका आलू का जो भाव है 850 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान के दाम में ख्याति पुखराज आलू की बिक्री हो रही है, लेकिन फिर भी किसान भाई आलू देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप कोल्ड स्टोरेज में जाकर के देख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज के बरामदे में आपको इस तरीके से तसल्ली पूर्वक लोग फ्री दिखाई देंगे जैसे मालूम पड़ रहा होगा कि आलू की बिक्री नहीं होती। मतलब किसान इतने भाव में भी आलू को नहीं देना चाहते हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं आलू और महंगा होने के लिए। मैं तो किसान भाई से कहता हूं कि आपको इंतजार नहीं बल्कि
दो तीन स्टेप में आपको अपने आलू की बिक्री कर देनी चाहिए। यह एक बहुत सुनहरा और अच्छा मौका है आलू निकालने का। तेजी वाले लोग तो चिल्लाते रहते हैं तेजी तेजी तेजी, लेकिन आप लोग बात को समझो। मैं तो कहता हूं आप लोग अपना अपना आलू धीरे धीरे करके निकालते रहो। शिवरामो की कोल्ड स्टोरों में ख्याति पुखराज आलू की कीमत 800 से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट की है। लाल गोल वाले आलू की अगर बात की जाएगी तो आपका 850 से लेकर के 1011 रुपए 1020 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम है। न्यू हाईलैंड आलू का भाव की बात करेंगे तो आपका 1050 रुपए से लेकर के 1250 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से न्यू हाईलैंड आलू की बिक्री हो रही है। आमतौर पे 1100 से 1200 के बीच में बिक्री होती है न्यू हाईलैंड आलू की। वहीं अगर साथ में बात करेंगे कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आवक की अगर बात की जाएगी तो आवक जो है आपका 40 से लेकर के 45 मोटर की आज आवक हुई है। सफेद आलू यहां पर बिक रहे हैं 2000 रुपए से लेकर के 2300 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब 20 रुपया से लेकर के 23 रुपया किलो के हिसाब से सफेद आलू बिक रहे हैं। लाल गोल वाले आलू की बात करेंगे तो वो आपके 2300 से लेकर के 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। न्यू आईलैंड आलू की बात करेंगे तो 2400 से लेकर के 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और बढ़िया, ये गीला की बात कर रहे हैं, अगर न्यू आईलैंड आलू बढ़िया सूखा है एकदम वीआईपी तो आपका 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो जाएगा कानपुर की मंडी में। बाकी अगर बात करेंगे चिप्सोना आलू की तो 2400 से लेकर के 2500 रुपए प्रति पैकेट। आगरा के आलू के जो भाव है कानपुर मंडी में, जो आगरा वाला आलू पहुंच रहा है वो 2300 से लेकर के 2400 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर बढ़िया एकदम जो आपका गुल्ला क्वालिटी का बढ़िया आलू है वो 1900 से लेकर के 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है कानपुर मंडी में। कानपुर मंडी में इस समय आलू सूखा की डिमांड ज्यादा है, मतलब सूखे आलू की डिमांड लगभग वहां पर ज्यादा बताई जा रही है, सूखे आलू की डिमांड अच्छी है। साथ में अगर बात करेंगे हम लोग जो आपका यहाँ छिबरामो के कोल्ड स्टोरों में आसपास जो है आलू की बिक्री बोली लग करके होती है। अब बोली ही नहीं बल्कि जिन कोल्ड स्टोरों में बोली नहीं लग रही है उन कोल्ड स्टोरों में भी आलू के भाव यही है जो आपको बताए गए हैं। ख्याति पुखराज 800 से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट, और आपका लाल गोल वाला 850 से लेकर के 1020-30 रुपए प्रति पैकेट। न्यू आईलैंड 1050 रुपए से लेकर के 1200 रुपए प्रति पैकेट। और अगर इसमें से भी कोई बहुत अच्छा बढ़िया वीवीआईपी आलू होता है तो उसका कीमत आपको मिल जाता है 1250 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान का दाम। लेकिन यहाँ पर व्यापारी भाइयों ने एक शर्त को लगा करके रखा है, किसान भाइयों को एक पैकेट में वजन 53 किलो देना होगा। अगर 53 किलो नहीं होगा तो आपको दूसरे पैकेट से कटाना पड़ेगा। मतलब जो भी भाव आपको बताए हैं ये किसान के दाम थे, लेकिन 53 किलो के हिसाब से आलू की बिक्री होगी क्योंकि 53 किलो आलू की मांग यहाँ पर रखी जाती है। ये शर्त है, यहाँ पर आलू की बिक्री 53 किलो के हिसाब से ही होती है। छिबरामो के सभी कोल्ड स्टोरों में व्यापारी भाई 53 किलो हिसाब से ही आलू की खरीदारी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके क्षेत्र में आलू का क्या भाव है ये भी लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।